मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के किस्मत कॉलोनी स्थित सिद्दीकी बाग वार्ड नंबर 30 में रोड के ऊपर से ही पानी के तमाम पाइपलाइन थे, जिनकी वजह से आने जाने वाले लोग अक्सर इसमें फंस कर गिर जाते थे और कई लोग अब तक इससे जख्मी भी हो चुके थे। मगर स्थानीय लोगों ने वार्ड नंबर 30 की नगर सेविका हफीजा नाइक से रास्तों के इन पानी के पाइप को ज़मीन के अंदर करने की मांग की थी, जिसका काम भी शुरू हुआ। पानी का पाइप अंदर से करने के लिए रास्तों के साइड में खुदाई की गई और उसमें पाइप लगाया गया, मगर इसे कंक्रीट नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि काम पूरा नहीं होने की वजह से हादसे हो रहे हैं। मगर वही नगर सेविका हफीजा नाइक के बेटे शहबाज नाइक का कहना है कि काम पूरा कंप्लीट हो गया होता, मगर कुछ लोग हैं जो इलीगल पानी कनेक्शन लिए हैं। पानी पुरवठा विभाग ने काम रोकने के लिए कहा था, क्योंकि इन्हें पानी के इलीगल कनेक्शन काटने थे। मगर वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और हर रोज पानी की पाइपलाइन की वजह से कोई ना कोई घायल हो रहा है। क्या कहा है स्थानीय लोगों ने, आपको सुनाते हैं। ये रोड आप देख रहे होंगे कैमरे में, आप सामने देख रहे होंगे, इसको दो महीने या तीन महीना हो गया ये खड्डा करके, इसको दफन करके, मतलब ये पाइपलाइन को अंदर करके, पाइप पूरा ऊपर थे तो उन लोगों ने जिम्मेदारी ली हमारे कॉरपोरेटरों ने यहाँ के कि भाई इसको हम लोग अंदर करके इस बार RCC करा देंगे। आज दो महीना हो गया, हाँ, जो इस पर दो तीन महीना पहले यहाँ पे ये हुआ था कि पाइपलाइन ऑलरेडी एक साल से ऊपर थी, तो यहाँ के सब मिल के लोगों ने मतलब ये लाइन को तोड़ दी गई थी, टूट गई थी लाइनें, तो इसमें बच्चे गिरते थे, बड़े बुड्ढे चलने वलने वाले गिरते थे। तो उसके बाद में डिसीजन लिया गया कि भाई इसको नगर सेवक और प्रेशराइज हुआ थे, सब बातें हुई थी हम लोगों की, तो लोगों ने बोले थे कि इसको खड्डा करके हम लोग इसको दफन कर देंगे और पूरी पाइपलाइन नीचे करके ये रोड लेवल कर देंगे, क्योंकि वो रोड के ऊपर था, ये पूरे पाइपलाइन ऊपर थी और जो चलते फिरते लोग थे यहाँ के, वो चलते फिरते बच्चा हो या लेडीज़ हो या बूढ़ा कोई भी हो गिर जाता था। और आज ये दो महीना हो गया, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि भाई हम लोग इसको दफन RCC करके हम लोग लेवल कर देंगे रोड को, लेकिन अभी तक कोई इसको पूछने के लिए नहीं है। दुकान वालों से भी बोला गया कि एक दिन में करेंगे। वार्ड ही ये और किसने ये काम कराया था जो अभी तक ये काम कर रहा है? अभी ऐसा सवाल है किसका वार्ड है। आज चार जन को हम लोगों ने वोट डाले थे, चार नगर सेवक यहाँ के थे, कोई भी इधर पूछने को राजी नहीं। हाँ, जिससे हमारा कॉन्टेक्ट था वो था शहबाज भाई से हमारी कंटिन्यू मतलब बातचीत होती है, कभी भी आधी रात को बात होती है, भाई मैं कल कराता हूँ परसों कराता हूँ, ये जिम्मेदारी शहबाज भाई लेते, लेकिन कोई इधर पूछने को आता नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि हम लोग अपनी मगज हम लोग खुद होकर ये झगड़ा ये जो भी हुआ हम लोगों ने मेहनत करे इसको मैटर को उठाए, तो उन लोग आए आगे और बोले कि हम एक दो दिन में हम लोग इसको दफन कर देंगे, इसको लेवल कर देंगे। आज दो महीना हो गया, इसको कोई पूछने को राजी नहीं, नए पाइप का और भी बहुत सारे मामले, देखो रोड का और उधर पानी बह रहा है, उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं। लोग ये भी बता रहे कि जो पाइप निकला हुआ है आप बराबर इसको खुदाई करते हैं, पाइप निकालते हैं, दूसरा पाइप लगाते हैं, ऐसे काम आप लोगों का जारी रहता है, ऐसे में आप लोग मांग कर रहे हो ओपन की वजह से? ये ओपन है इसी के लिए हो रहा है और ये जिम्मेदारी नगर सेवक की है कि जब तुम्हारे वार्ड में एक रोड अच्छा बना हुआ है और उसके थोड़ा सा 2 फुट का हिस्सा है जिसको तुमने ओपन रखे हो और कचरे के साथ तुमने उसका पिछला फोटो मेरे पास आपके रखा हुआ है, आप देख लेना, या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही से व्यवस्थित करके उसको लेवल बनाना रोड को, आप छोड़ देते हो और दूसरों पे इल्जाम लगाते हो तो गलत बात है। पानी नहीं आता है मेन, सबसे पहला पानी तो पानी कम आता है ना प्रेशर, फिर इसके बाद पब्लिक लाइन लेते रहती है, अब वो लीगल इलीगल की बात ही नहीं आती है। पाइप ऊपर से जो आता है वो लेके चले जाता है, वो ऊपर आया था पाइप, उसको अंदर दबाते नहीं है, एक सही तरीके से नहीं होता है काम। जो भी काम अगर करा रहे हो तो एकदम उसको कंप्लीट करके छोड़ो, पब्लिक को तकलीफ ना हो ये काम करो, ताकि पब्लिक तुम्हारा किसी का ब्लेम ही ना करे कि भाई ये लोग नहीं करा रहे या वो लोग नहीं करा रहे, किसी के ऊपर नहीं आता। अब कोई अगर कार्यकर्ता खड़े रह के कराता है तो आप लोग यही बोलते हैं कि भाई हमारा कार्यकर्ता है, अपना नाम उसके ऊपर ले रहा है, तो वो लेना देना हमारा नहीं है। अगर कार्यकर्ता खड़ा करके अपना नाम करा रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो आप लोग आगे देखें, आप लोग अपना काम करें। इससे तकलीफ ये थी कि भाई इससे बच्चे बहुत गिरे, लेडीज़ें गिरते थी और लोगों के दांत तक टूट गए, मेरे भाई की भी बच्चे के दांत, हाँ हादसे होते थे, वो हादसे को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने कराए, लेकिन इसके ऊपर माल डालना भी तो जरूरी है ना। MLA लेवल होने के बावजूद वो आदमी ने इतने बिजी होने के बावजूद कॉल अटेम्प्ट किया और अच्छा जवाब दिया कि काम हो जाएगा, मैं शहबाज से बात करता हूँ, यानी कभी उन्होंने यानी काम को नहीं किया। और ये लोगों से अगर काम के लिए बोला जाता है तो इनको ऐसा लगता है कि भारी पड़ रहा है। यहाँ का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिन्होंने उनको कॉल नहीं किया, हर कोई कॉल करता है। मैंने उनको पर्सनली ग्रुप में बोल दिया, तो ग्रुप में बोलने के वजह से ये हो गया कि झगड़ा हो गया कि भाई तुम मुझको बोल रहे हो, मुझसे सवाल कर रही है, आप वोटर हो क्या,
यानी आप पॉलिटिशियन होने के बाद लोगों लोग अगर आपके वार्ड का काम तुमको ही बताओगे तो आप उससे सवाल कर रहे हो, हम तुमको काम बता रहे हो, काम दिख रहा है, और यहाँ आने के बाद तुम काम के फोटो अपलोड करते हो, सारी चीज़ करते हो और ग्रुप में डालते हो कि भाई काम हो चुका। आप खुद देख सकते हो काम कहाँ हुआ, अभी तक के काम नहीं हुआ, 3 महीना गुजरने के बाद भी काम नहीं हुआ। टारगेट नहीं है, पहली बात तो इससे पीछे मस्जिद है, मस्जिद के सामने पूरी डंपिंग बन चुकी है, मस्जिद के लोगों ने लेटर दे चुका, कई मरतबा लेटर दे चुका उस चीज़ के वजह से, बात कर चुके हैं कि भाई ये हटाया जाए, तो बोले घर का कचरा, ग्रुप के अंदर वो लिखती है कि आपके घर का कचरा साफ करना मेरा काम नहीं है, ये उसके अल्फाज है नया। इससे पीछे शहबाज को मैंने खंबे के लिए बोला, मस्जिद के पास डबल मुँह के खंबे के लिए 300 लोग मदरसे में पढ़ने आते हैं, वहाँ अंधेरा होता है, अंधेरा इतना है कि औरतें बराबर से खड़े नहीं हो पाती, अनकम्फर्टेबल रहती है। मैंने उसको खंबे के लिए बोला, इधर का खंबा खोलकर शरीफा रोड में लगा दिया। मैंने खंबा लाइनमैन से बात की तो लाइनमैन बोलता आपके सामने पब्लिक के सामने, उसने ये खाली बोला कि खंबा यहाँ लगाना, आपके जाने के बाद उससे बोला भाई कोई जरूरत नहीं, शरीफा रोड में खंबा लगाओ। आप आज भी देख सकते हो अंधेरा वहाँ पर वैसे ही मौजूद है। वहीं हफीजा नाइक के बेटे शहबाज नाइक ने बताया है कि इलीगल पानी के कनेक्शन है ज़्यादातर, और इसकी शिकायत भी पानी पुरोठा विभाग में की है। क्या बताया है शहबाज नाइक ने, आपके वार्ड में जो ये पानी का लाइन जो वहाँ पर खुदाई की गई है कई महीनों से ऐसे पड़ा हुआ है, तो आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए कैसा है, वहाँ पर सबसे पहला जो लाइन्स थी रोड के ऊपर थी, तो उसको खड्डा खुदाया गया, पाइपलाइन डाली गई, अंदर शिफ्टिंग करी गई। अब शिफ्टिंग के बाद क्या हो गया मालूम क्या, इतने इल्लीगल कनेक्शंस होते गए बढ़ते गए ना, तो वाटर डिपार्टमेंट से मुझे स्ट्रिक्टली वॉर्न किया गया कि आप इसके ऊपर माल अभी फ़िलहाल नहीं भर सकते जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं वाटर डिपार्टमेंट के जो उन्होंने कंप्लेन दिया तो मेरे को सुनना पड़ेगा। कार्रवाई आज हुई वहाँ पर इलीगल कनेक्शंस की, मंडे के दिन रात तक माल जाला डाला जाएगा उधर पे। अब इसमें होता है क्या मालूम क्या, वहाँ के कुछ लोकल्स ही जो है जो बदमाशी करते हैं, जो इलीगल कनेक्शंस रहते हैं, सारा काम अगर रुका है तो सिर्फ और सिर्फ इलीगल कनेक्शंस के वजह से, जिसने वहाँ पर कनेक्शंस लिए है ना उनके वजह से। अब मोहल्ले का ही कोई नेता है जिसने हाथ रख के रखा है, वही होएगा, और कौन हो सकता है? मोहल्ले के नेता कौन है आपको भी पता ही होगा, मुमरा बहुत छोटा ही है। तो लोग का कहना है कि कई बार वो शिकायत की उसके बाद भी आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो शिकायत मुझे कईयों बार नहीं, काफ़ी टाइम बात आई है, ध्यान देने की बात नहीं, ध्यान दे रहे तो वार्ड का काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, कॉन्क्रेटाइज हो चुका है। अब इसमें कैसा था मालूम क्या, जो साइड शोल्डर पैक करना था उसका काम मैं समझता हूँ लास्ट वीक चालू भी हुआ था, लेकिन कुछ बदमाशी लोगों ने किए उधर पे आके काम को रुकवाया गया, और उसके ऊपर फिर व्हाट्सएप के ऊपर तमाशे गालियां दुनिया भर की वार्ड नंबर 30 के ग्रुप में हुआ। तो उस सिलसिले में कैसा था, फिर गोसावी साहब ने बोले जब मैं विजिट करूंगा, विजिट करके उन्होंने अपना बताया किस लेवल के हिसाब से माल भरना है क्या करना है, उनका विजिट भी हो चुका है कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से, और कॉन्ट्रैक्टर इंशाल्लाह ताला मंडे के दिन रात में माल कर फिल कर देगा साइड शोल्डर और पैक हो जाएगा। काम सिर्फ रुका था इलीगल कनेक्शन के वजह से, क्योंकि पानी पुरौटा से मुझे क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था माल भरने का, तो पानी पुरौटा वाले ने आज उसकी कार्रवाई किया। अब मैं कल तो संडे है, मंडे के दिन इंशाल्लाह रात तक हो जाएगा काम फाइनल उस चीज का। हो तो कभी का जाता था, लास्ट वीक ही हो जाता, लेकिन कुछ बदमाशियों के वजह से नहीं हो पाया। एक तरफ लोग काम ना करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज नाइक ने इलीगल पानी कनेक्शन काम ना होने की वजह बता रहे हैं। मगर अब शहबाज ने बताया है कि इलीगल कनेक्शन पानी पुरोठा विभाग ने काट दिया है और सोमवार को काम पूरा करने की बात कही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।